गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। आज हम स्टडी करेंगे रूट मीन स्क्वायर या फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर कंप्लीट साइकिल। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। हम द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर कंप्लीट साइकिल मे बी डिफाइंड एज द या मे बी डिफाइंड के बजाय लिखते हैं Always be equal to the value of steady current या फिर DC current that produces सेम अमाउंट ऑफ हीट या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन द सेम सर्किट एंड सेम टाइम या फिर सेम साइकिल कह सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू किसके इक्वल होगी? डीसी करंट की वैल्यू के बराबर होगी। कौन सी डीसी करंट की वैल्यू के बराबर? जो डीसी करंट उतनी ही प्रोड्यूस करेगा जितनी हीट आपकी किसने प्रोड्यूस की है अल्टरनेटिंग करंट ने। सेम साइकिल में सेम सर्किट में और सेम टाइम में उतने ही टाइम में जितने टाइम में आपने एसी ने प्रोड्यूस की है। तो डीसी भी अगर उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो डीसी की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। किसके इक्वल होती है ये आपकी? इट इज गिवन बाय आई आरएमएस इक्वल आई नॉट बाय रूट टू या फिर 0.707 आई नॉट प्रूव करना है इसको। प्रूव तो प्रूफ में देखो आप कैसे करते हैं। तो इसमें लिया हमने We know that instantaneous value of alternating current is given by कितनी होती है instantaneous value alternating current की आपकी? I equal I naught sin omega। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो आर हो, देन इन स्मॉल टाइम डीटी हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी विल बी कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? स्मॉल हीट प्रोड्यूस होगी स्मॉल टाइम में। हीट का फार्मूला क्या होता है आपका? एच इक्वल आई स्केर आर टी। तो यहां पे स्मॉल टाइम ले रहे हम डी टी आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो आई की।
आई किसके इक्वल है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्केयर कर देंगे आर डी टी। डीएच आ गई आपका आई नॉट स्केयर, आर को पहले लिख लो साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी। ये आपका हीट का अमाउंट आ गया कितने टाइम में, स्मॉल टाइम डीटी में। हमने किसके लिए निकाली है बेटा, कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना होगा आपका, जीरो से टाइम पीरियड के इक्वल। नाउ हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी ओवर कंप्लीट साइकिल या फिर इनकंप्लीट साइकिल लिख लेते हैं, इनकंप्लीट साइकिल या फिर इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड। इज गिवन बाय इसके इक्वल हो जाएगी आपकी, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका जीरो से टी लिमिट में, टाइम पीरियड की लिमिट में, आई नॉट स्केयर आर साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी। ये आपका एच के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आई नॉट भी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे आई नॉट स्केयर आर भी कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर ले लिया जीरो से टी, ये हो गया आपका साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी। अब हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो सोल्व करने की बजाय हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, तो इसकी वैल्यू याद रखो आप। और एच इक्वल आई नॉट स्केयर आर इंटू टी बाई टू, साइड में लिख दो यहां पे, ये हो गया आपकी इक्वेशन थर्ड। बिकॉज जीरो टू टी लिमिट में साइन स्केयर ओमेगा टी साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी इसके इक्वल हो गई आपका टी बाई टू के। इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब ये हीट तो किसने प्रोड्यूस की है, अल्टरनेटिंग करंट ने। अब हम हीट किसके कारण निकालेंगे, डीसी करंट के कारण निकालेंगे। अब लेट आई आर एम एस इज द वैल्यू ऑफ डीसी, आई आर एम एस इज द वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट। एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन सेम सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड सेम टाइम या फिर इक्वल टाइम टी, और देयरफॉर एच क्या हो जाएगी आपकी, जो हीट आपका डीसी प्रोड्यूस करेगा। डीसी की वैल्यू कितनी ले ली हमने, आई आर एम एस से शो कर दी, तो आपका आई स्केयर आर इंटू टी हो गई आपका। अब जितनी हीट की वैल्यू डीसी की है उतनी हीट की वैल्यू क्या आपकी एसी की है, तो दोनों हीट की वैल्यू आपके बराबर है। कंपेयर कर लेंगे इनको, हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा ये कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। वी गेट या फिर वी है क्या मिलेगा हमें, आई आर एम एस स्क्वायर आर टी लिख लिए वैल्यू हमने, इस हीट के बराबर हो गई है आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई टू। आर टी से
आर टी कैंसल, तो आई आर एम एस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर बाई टू, स्क्वायर को उस साइड में ले जाएंगे अंडर रूट हो जाएगा आपका रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई टू, यह हो जाएगा आपका अगर इसको आप सोल्व करोगे रूट को। आई आर एम एस इक्वल अलग अलग कर लो रूट को, रूट आई नॉट स्क्वायर बाई रूट टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल आपका, तो आई आर एम एस आ गई आपका आई नॉट बाई रूट टू। अब हमने रूट टू को खत्म करना है क्योंकि आपको जुड़ी नहीं है इसी में मिले, तो आई आर एम एस क्या आ गया आपका आई नॉट बाई रूट टू, इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो रूट टू से डिवाइड, तो ये आ गया आपका रूट टू आई नॉट बाई टू हो जाएगा रूट टू इन टू रूट टू टू के इक्वल। अब रूट टू की वैल्यू पुट कर दो, रूट टू आपका 1.414 बाई टू आई नॉट, इसको कैंसिल करोगे ये आएगा आपका 0.707 आई नॉट, तो एक वैल्यू ये हो जाएगी आपकी आई आर एम एस की। तो हेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज बी इक्वल टू द 1/√2 टाइम्स, इसके इक्वल है 1/√2 टाइम्स किसका 1/√2 एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका कितना मल्टीपल होगी 1/√2 या फिर 0.707 टाइम मल्टीपल होगी। परसेंटेज की बात करेंगे अगर हम तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू का कितने परसेंट हो जाएगी 70.7%। तो आज के लिए हम इतना टॉपिक करते हैं, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा, एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करें, थैंक यू बेटा।